This is just tremendous. This is my favorite Raw. The Apex Predator Randy Orton WWE के सबसे डेंजरस एंड अब तक के सबसे हर्टिंग सुपरस्टार्स में से एक हैं। Randy Orton WWE के उन सुपरस्टार्स में से आते हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता कि उनके सामने कौन है, अब चाहे वो मेल रेसलर हो या फिर फीमेल रेसलर, वो किसी के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 Randy Orton के क्रेजियस्ट मोमेंट के बारे में। तो ऑब्वियसली वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, बस आप इसे एंड तक देखना। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. January 29, 2009 यहाँ पे स्टेफनी मैकमैन और विंस मैकमैन रिंग में होते हैं और विंस मैकमैन यहाँ पे अपनी डॉटर स्टेफनी मैकमैन को काफी अप्रिशिएट कर रहे थे उनके काम के लिए, उनके वर्क के लिए। और इनका ड्रामा यहाँ पे खत्म भी नहीं होता और हमारे एपेक्स प्रेडेटर Randy Orton का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। Randy Orton यहाँ पे आते हैं और वो काफी गुस्से में होते हैं क्योंकि विंस मैकमैन उनको फायर करने वाले थे, उनको रॉयल रंबल से बाहर करने वाले थे। लेकिन Randy Orton यहाँ पे कहते हैं कि वो रॉयल रंबल में जाएंगे, साथ ही वो रॉयल रंबल को जीतेंगे भी। लेकिन विंस मैकमैन को ये सारी बातें पसंद नहीं आती। हेलो यहाँ पे स्टेफनी मैकमैन को साइड लगा देते हैं, उनको वापस भेज देते हैं। उसके बाद वो Randy Orton को फायर करने वाले होते हैं, लेकिन Randy Orton को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो विंस मैकमैन के ऊपर अटैक कर देते हैं। Randy Orton यहाँ पे इतने बेकाबू हो जाते हैं कि वो यहाँ पे विंस मैकमैन को पंट किक तक लगा देते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑफिसर्स आ जाते हैं, स्टेफनी मैकमैन आ जाती हैं एंड फाइनली यहाँ पे Randy Orton को रियलाइज होता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने विंस मैकमैन को पंट किक दे दिया जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है एंड यहाँ पे Randy Orton दौड़कर भाग जाते हैं। January 25, 2021 मंडे नाइट रॉ, यहाँ पे अलेक्सा ब्लिस वर्सेस आस्का का रॉ वेमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच चल रहा था। मैच यहाँ पे आस्का एंड अलेक्सा ब्लिस का चल रहा था, लेकिन रैवलरी Randy Orton एंड अलेक्सा ब्लिस की चल रही थी। अगर मैच पे फोकस करें तो ये मैच काफी अच्छा था। यहाँ पे अलेक्सा ब्लिस का काफी बार ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिससे आस्का काफी कंफ्यूज नजर आती है। आस्का को यहाँ पे ज्यादा चीजें समझ नहीं आती, इसलिए वो फाइट भी अच्छे से नहीं कर पा रही थी एंड यहाँ पे इसी का फायदा उठाकर अलेक्सा ब्लिस आस्का को मैंडिबल क्लो लगा देती हैं और ये मैच बस खत्म होने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे पीछे से Randy Orton आ जाते हैं और अलेक्सा ब्लिस को शॉकिंग आरक्यू लगा देते हैं, जिसके बाद अलेक्सा ब्लिस यहाँ पे ढेर हो जाती हैं और मैच खत्म हो जाता है। March 3, 2020 यहाँ पे Randy Orton एंड Beth Phoenix रिंग में होते हैं। हमारे Randy Orton ने यहाँ पे Beth Phoenix के हस्बैंड द रेटेड आर सुपरस्टार एज को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा था, मतलब उनके ऊपर काफी ब्रूटल अटैक किए थे और उसी का जवाब लेने यहाँ पे Beth Phoenix आती है Randy Orton के सामने एंड यहाँ पे Randy Orton काफी अच्छे से एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कैसे उन्होंने क्या क्या चीजें की है एज के साथ, मतलब वो सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। Beth Phoenix का यहाँ पे काफी बुरा हाल होता है, वो गुस्से के मारे यहाँ पे रोने लगती है, लेकिन Randy Orton उनको और भी टीज किए ही जा रहे थे। मतलब Randy Orton यहाँ पे चाहते थे कि Beth Phoenix एकदम गुस्से में आके कुछ गलत कदम उठा दे और ठीक ऐसा ही होता है। Beth Phoenix यहाँ पे गुस्से में आकर Randy Orton को चाटा मार देती है जिससे वाइपर एंग्री हो जाता है एंड फाइनली वो Beth Phoenix को RKO लगा देते हैं, जिसके बाद Beth Phoenix की हालत खराब हो जाती है और Randy Orton वहां से चले जाते हैं। रॉयल रंबल 2019 यहाँ पे 13 एंट्रेंस होता है आर्थ्रूथ का। आर्थ्रूथ अपना गाना बजाना करते हुए यहाँ पे आते हैं, लेकिन वो अंदर नहीं आ पाते क्योंकि बीच में उनको नाया जक्स आके इंटरप्ट कर देती हैं और साथ ही काफी बुरी तरीके से पिटाई भी कर देती हैं एंड इसके बाद यहाँ पे नाया जक्स रिंग की ओर बढ़ने लगती हैं और फाइनली वो रिंग में जाकर तबाही मचा देती हैं। वो यहाँ पे मुस्तफा अली को रिंग के बाहर एलिमिनेट भी कर देती हैं और उसके बाद Rey Mysterio के ऊपर अटैक, Randy Orton के ऊपर अटैक एंड फाइनली यहाँ पे मैन रेसलर गुस्से में आ जाते हैं और Dolph Ziggler सुपर किक लगा देते हैं नाया जैक्स को। इसके बाद Rey Mysterio 619 एंड फाइनली हमारे Randy Orton नाया जैक्स को RKO लगा देते हैं आउट ऑफ नोवेयर और इसके बाद दोनों मिलकर यहाँ पे बाहर भी कर देते हैं नाया जैक्स को।
मंडे नाइट रॉ रैंडी ऑर्टन यहाँ पे बैकस्टेज होते हैं और उस टाइम वो जनरल मैनेजर थे जिसका फायदा वो काफी बुरी तरीके से उठाते थे। एंड यहाँ पे रैंडी ऑर्टन बैकस्टेज से कुछ फीमेल रेसलर्स को तैयार करते हैं एक सेगमेंट के लिए रॉ के अंदर और वो बस रॉ में कुछ सुपरस्टार्स को रिंग में लेकर आते हैं। एंड इसके बाद फाइनल एंट्रेंस यहाँ पे होती है स्टेसी कैबलर की। स्टेसी कैबलर के आने के बाद रैंडी ऑर्टन यहाँ पे बताते हैं कि वो यहाँ पे एक मोमेंट देना चाहते हैं सभी ऑडियंस को, मतलब एक सेगमेंट क्रिएट करने वाले हैं जहाँ पे सभी फीमेल सुपरस्टार्स को वन बाय वन अपना ड्रेस उतारना होगा। इसके बाद ऑडियंस तो पागल हो जाती है रैंडी ऑर्टन। एंड इसके बाद शो शुरू होता है। रैंडी ऑर्टन यहाँ पे वन बाय वन एक एक फीमेल सुपरस्टार्स को बुलाते हैं और उनके ड्रेसेस उतरवाते हैं एक लिमिट तक, लेकिन ये मोमेंट ऑडियंस के लिए किलिंग था। एंड फाइनल नंबर यहाँ पे आता है स्टेसी कैबलर का जो कि रिंग में आग लगा देती है, मतलब वो ऑडियंस को पागल कर देती है। एंड फाइनली रैंडी ऑर्टन यहाँ पे एक ग्रुप हग करते हैं और इस तरीके से ये मोमेंट यहाँ पे एंड होता है। तो ये थे टॉप 5 रैंडी ऑर्टन के डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर क्रेजिएस्ट मोमेंट। इनफैक्ट इनमें से आपका फेवरेट कौन सा था आप मुझे चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।